अरे वाह, कितना स्टाइलिश बैग है, और ये बेल्ट और हैट तो माइंड ब्लोइंग है ना। गेस कीजिए कि ये तीनों ही चीजें किससे बनी है। ये बनी है नारियल पानी से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, नारियल पानी से। OMG, इस खुफिया टेक्नोलॉजी से पर्दा उठाने हम आए हैं कोची, जहां इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है एक अनोखे स्टार्टअप मलाई बायोमटेरियल। Malai is a name of the material that we invented and that we are manufacturing now here. दोस्तों, लेदर इंडस्ट्री वाटर पोल्यूशन के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स में से एक है, क्योंकि लेदर प्रोडक्शन के दौरान इनसे रिलीज होते हैं कई टॉक्सिक केमिकल्स जो हमारी वाटर बॉडीज को पल्यूट करते हैं। और इस समस्या से लड़ने के लिए मलाई बायो मटेरियल ने हथियार बनाया नारियल पानी को। दोस्तों, इंडिया कोकोनट्स का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और एक लंबे अरसे से हम कोकोनट से तो कई तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रोसेसिंग यूनिट भी हर रोज करीब 4000 लीटर कोकोनट वाटर वेस्ट कर देता है। मलाई बायो मटेरियल्स की इनोवेटिव टीम ने इसी वेस्ट कोकोनट वाटर को टॉक्सिक पॉल्यूशन का सोल्यूशन बनाया, और यहाँ की लोकल कम्युनिटी की मदद से क्रिएट किया सस्टेनेबल हाई क्वालिटी वीगन लेदर। OMG, इट्स कंप्लीट नेचुरल प्रोडक्ट, इट डजंट मेक एनी हार्म फॉर द एनवायरनमेंट, एंड दिस इज वर्थ फॉर द कम्युनिटी। लेकिन भैया, ये वीगन लेदर होता क्या है? In plain terms, it can be described as plant-based alternative to leather. I think it's important to find an approach to explore sustainability within one's own practice. And this is what we are trying to do here at Malai. We have a wonderful production team, and in spite of being from completely different cultures and different backgrounds, we somehow managed to pull things together. चलिए मैं आपको कोकोनट वाटर से लेदर बनाने का प्रोसेस समझाता हूँ। सबसे पहले मलाई बायो मटेरियल्स की टीम कोकोनट वाटर को अपने वेयर हाउस में प्रिजर्व करती है, फिर 12 से 14 दिनों तक चलता है फर्मेंटेशन, जिसमें बैक्टीरिया दिखाते हैं अपना कमाल। दरअसल कोकोनट वाटर में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिस पर बैक्टीरिया फीड करते हैं और उसे एक क्रीमी फ्लैश में कन्वर्ट कर देते हैं, और हमें मिलती है सेल्यूलोज जेली की ऐसी शीट्स, जिसे इस टीम ने मलाई का नाम दिया है। हार्वेस्ट की गई जेली शीट्स रिफाइनमेंट स्टेज से गुजरती हैं, जहां ये नेचुरल फाइबर से एनरिच होती हैं। फिर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इनमें मिक्स किए जाते हैं नेचुरल गम्स और रिजिन। उसके बाद शीट्स को अलग अलग रेंज की थिकनेस और टेक्सचर में फॉर्म किया जाता है, और तब तैयार होता है वीगन लेदर, यानी मलाई। मिनिमम 1 week नीड टू गेट ए 1 लेदर शीट, सो इजंट एवरी स्टेज वी शुड बी वेरी केयरफुल। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस यूनिक रॉ मटेरियल पर क्रिएटिविटी का जादू चलाकर क्रिएट किए जाते हैं ब्यूटीफुल, कंप्लीटली नेचुरल और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, जैसे कि हैंडबैग्स, वॉलेट्स और लैपटॉप स्लीव्स। देखने में कितने अमेजिंग है ना, लेकिन जानते हैं इनकी सबसे ढांसू बात क्या है? ये पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल है। वाकई मलाई बायो मटेरियल्स का ये फ्यूचरिस्टिक और इको फ्रेंडली वीगन लेदर इस बात का सबूत है कि नेचर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों का सलूशन भी नेचर में ही छिपा है। जरूरत है तो इनके जैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोच की, और इसके लिए OMG ये मेरा इंडिया मलाई बायो मटेरियल्स की इनोवेटिव टीम को करता है सलाम।